shiver. See if comes to pull his power. He makes everyone shiver. He's a fighter. He's a fire. He's a master in war. He wrestles like a champ. He's a terrible nightmare. He's the only fear. For a living thing ever. He's a tyrant. Pull his power. Pull his power. Power. Here comes the police power. He makes everyone shiver. He's a fighter. He's a fire. He's a master in war. He wrestles like a champ. He's a terrible nightmare. He's the only fear for a living thing ever. He's a tyrant. Police power. Police power. Hey! इधर आओ। बाहर निकलो। इधर आओ सब लोग। हमारे बॉस ने हम लोगों को हुकुम देके भेजा है कि तुम लोगों का जो भी बाकी है हम वसूल करके ले आए। नहीं तो अगर बॉस को गुस्सा आ गया ना तो तुम सब लोग दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। तुम ही लोगों से कह रहे, सुनाई नहीं देता क्या? तुम लोगों को आखिरी बार समझा रहा हूँ। जान से मार दूंगा। समझ जाओ। ऐसे मुंह लटका कर क्या खड़े हो? जाओ और जाकर पैसे लेकर आओ। तुमसे ही कह रहा हूँ, हमसे पंगा मत लो। अब हमें क्या देना बाकी? जो कर्ज लिया उसे सूद समेत भरो। हमने अपना कर्जा कब का दे दिया? तुझे कोई पूछने वाला नहीं है ना, इसलिए तुम लोग इतना उड़ रहे हो। हमने जरूरत के लिए तुमसे पैसे लिए तो तुम हमें कमजोर समझ रहे हो? तुम्हारा कर्जा चुक जाने के बाद भी तुम यहाँ कॉलोनी में आके हम सबको परेशान करते हो। तुम सब आकर एक बार हमारे बॉस से मिलो, जो नहीं आया उसकी खैर नहीं है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए उससे पैसा उधार लिया था। फिर भी ये लोग पीछे पड़ गए। गरीबों का कौन सुनने वाला है? क्या जम घर लगा रखा है यहाँ पे? चलो, अरे उठ, नहीं तो फोड़ डालूंगा। जाती बोलेगा नहीं, चल 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 चल। आए लाइन पे। सर, बॉम्बे कॉलोनी वाले आए। सर सर, श्रीनगर कॉलोनी वाले भी आए हैं। नमस्ते सर। अच्छा, तो तुम लोगों ने पैसा देने से मना कर दिया है? अरे मूल का तो छोड़ो, ब्याज भी नहीं भर पा रहे हैं। ए, असल कौन भरेगा? वो क्या तुम्हारा बाप भरेगा क्या? ये बहुत ज्यादा ही बोल रहे हो तुम लोग। लगता है तुम सबका सर काटना पड़ेगा। हम तो सच ही कह रहे हैं, हमें जो पैसा चुकाना था वो ब्याज सहित चुका चुके हैं। अब तुम्हारा एक भी रुपया बाकी नहीं है। हम लोगों ने जरूरत के लिए आपके पास से पैसा लिया है, लेकिन हमने मेहनत करके आपके पैसे चुका दिए हैं। हमारे पेपर लौटा दो हमें। जब तुम्हें पैसों की जरूरत थी, हमने जहाँ जहाँ कहा था वहाँ तुमने ब्लैंक पेपर पे साइन किया था। अब हम जब तक कहते रहेंगे तुम लोग पैसे भरते रहोगे, नहीं तो तुम्हारी कॉलोनी हमारी हो जाएगी। ये तो अगर कर्जा नहीं चुकाया तो तुम लोगों को हमेशा हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। जाने अनजाने में अगर हमने आप लोगों से पैसे लिए हैं तो क्या आप हमें ऐसे ही डराओगे धमकाओगे? बताइए हमें। चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, आज से तुम लोगों का बैड टाइम शुरू हो गया है। इन लोगों को दिखाओ कि नर्क वाकई में कैसा होता है। ये
आज कोई नया केस आया या नहीं? नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। हम लोग बॉम्बे कॉलोनी से आए हैं सर। क्या बात है, बोलो, ऐसे इकट्ठा होके क्यों आए हो? कहीं मोर्चा निकालना है क्या? ऐसा कुछ नहीं है साहब। कर्ज लेते वक्त तुम लोगों ने पुलिस से पूछ के लिया था क्या? उस वक्त कर्ज देने वाला अच्छा था, अभी तुम लोग अच्छे बन गए हो। अब जब फंस गए हो तो पुलिस को बीच में क्यों खींच रहे हो? अरे ये कैसा जवाब साहब? तो कुछ समझ नहीं रहे हमारी बात। अब हम कहाँ जाएं? क्या करें? ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखते हैं, आपस में बात करेंगे। तो चलो। सुना भाभी, उस कॉलोनी वालों ने अभी तक कर्जा नहीं चुकाया। अगर उन्होंने कर्जा नहीं चुकाया तो उन लोगों ने धमकी दी है कि कर्जा चुका दो, नहीं तो सारी कॉलोनी हमारी हो जाएगी। पता है क्या आपको? हाँ, हमारे लोग पुलिस स्टेशन में गए थे वहाँ कंप्लेंट करने के लिए। हाँ, तो सच में हमसे नहीं होगा। हाँ अच्छा, उन लोगों ने पुलिस वालों को भी पैसा खिलाया है और खरीद लिया है भाभी। ये तो ऐसा ही चलता रहेगा भाभी। हाँ, इसीलिए हम डर कर जी रहे हैं। अब क्या होगा हमारे साथ? ये समस्या कब सॉल्व होगी कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सही कह रहे हो भाई। ए, मेरा आदमी एक घंटे के लिए तुम्हारे घर में रहेगा। नहीं 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 नहीं। कौन हो तुम लोग? हमारे घर को धर्मशाला समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? अगर कोई भी सामने आया तो उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, समझ लेना। कैसी बात कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नमस्ते सर, श्रीनगर कॉलोनी से 5 लाख का कलेक्शन और सारे पेपर। नमस्ते सर, बॉम्बे कॉलोनी से ये रहा मेरा कलेक्शन 12,70,000 और ये है उससे रिलेटेड सारे कागजात। वेरी गुड। नमस्ते सर, मेरा कलेक्शन सांबा कॉलोनी से 5,32,000 रुपए और घर के पेपर्स। नमस्कार सर, रुस्तमबाद कॉलोनी से 9,99,000 रुपए, साथ में घर के कागज भी है। वेरी गुड। इसी तरह से अपना बिजनेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ना चाहिए। हम लोग पंचभूतों के जैसे हैं और तुम चारों दिशाओं में जाओ। अगर कोई बीच में आया तो हम संभाल लेंगे उसे। ए गंगा। मैडम, उन बॉम्बे कॉलोनी वालों का क्या हुआ? मैडम, वो लोग हमसे झगड़ा करके पुलिस के पास गए थे। मैंने पहले ही एसआई से बात कर ली थी। ओके ओके। सबको मार डालो, अगर एक को भी छोड़ा तो 100 लोग वापस आ जाएंगे। उस एक को मार दिया तो 100 लोग भाग जाएंगे। जाओ, हम क्या चीज है उन्हें दिखा के आओ। चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, उनके दिल में इतनी दहशत भर दो कि हमारा नाम सुनते ही रूह कांप जाए उनकी। चलो जाओ। ओके सर, ओके सर। गुड मॉर्निंग डैड। वेरी गुड मॉर्निंग बेबी। मैं डांस क्लास के लिए जा रही हूँ डैड। ओके बेबी। बाय डैड। बाय। रोमांटिक चाहिए या फिर बाहुबली के प्रभास जैसा चाहिए? नहीं, पवन कल्याण जैसा होना चाहिए। सही कहा ना मैंने? जैसा भी हो रोमांटिक होना चाहिए। बाबा, हमारे साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। हाँ बाबा, वो जहरीले सांप हमारी कॉलोनी को अपने कब्जे में कर लेंगे, इसका डर है मुझे। बाबा, हमने तो कोरे कागज पे साइन भी किया है बाबा। उस दिन की परिस्थिति से मजबूर होकर हमने सफेद कागज पे साइन किया था बाबा। पेपर्स का बहाना बनाकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हमारे कॉलोनी पे कब्जा किया तो हमें तो रोड पे ही आना पड़ेगा ना। हमें न्याय मिलेगा ये सोचकर हम पुलिस के पास गए, लेकिन वो लोग भी उन्हीं के साथ हैं। पता नहीं ऊपर वाले को क्या मंजूर है।
क्यों रे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखवाने गए थे, क्या कर लिया पुलिस ने? हाँ पुलिस स्टेशन तो क्या, कलेक्टर ऑफिस, मिनिस्टर के पास, कहीं भी जाओ, हर जगह हमारा बोलबाला है, हर जगह हाँ, हमारा ही राज है। ए, तुम लोग पैसा दोगे या नहीं? ये लोग ऐसे नहीं सुनेंगे। क्या बात है, तुम सब लोग आज बाहर बैठी हो? आज के रात ये तेरा पति होगा। क्यों रे, क्या समझते हो अपने आप को, जो रोज मुंह उठा के आते हो? क्यों रे, इसे क्या अपने बाप की जागीर समझ के रखा है? अरे तुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है क्या? हाँ सही कहा, चल जा चल यहाँ से। तुम लोगों के मुंह ज्यादा ही खुल रहे हैं, तुम्हारे लिए हुए मूल का ब्याज हम इनसे उसूलेंगे। अरे बकवास बंद कर अपनी, अभी तक तो तुम्हारा ब्याज भी नहीं भरा गया है, जब तक असल भरोगे तब तक बूढ़े हो जाओगे, तब तक हम लोग इनसे वसूली करते रहेंगे, यही तो हमारे बॉस का प्लान है। अरे मोबाइल हाथ हटा, एक एक को जान से मारूंगा, मार देंगे। छे, जान चली जाए पर मैं नहीं। तो फिर मर जाना। ठीक है सर, ओके सर, बिल्कुल सर, मैं सब संभाल लूंगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? नमस्कार साहब। नमस्कार सर। काले नागों ने तो अपना फन और बुरी तरह से फैला दिया है साहब। साहब वो रोजाना कॉलोनी में आकर हाँ, अभी तो सिर्फ आके मार के गया है, अगर तीन दिनों के अंदर तुम लोगों ने पैसे नहीं भरे ना तो कॉलोनी पे कब्जा भी कर लेगा। हाँ? उन लोगों ने कॉलोनी से चार लड़कियों को उठाया है, यही कहना चाहते हो या कुछ और भी कहना है? महाभारत के जुए में जब कौरवों की जीत हुई तो उन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था, महावीर होते हुए भी पांडव लोग सिर्फ देखते ही रह गए थे। सो तुम लोग तो सब जानते ही हो, क्यों बात समझ में आ गई ना? निकलो यहाँ से। तुम एक पुलिस ऑफिसर हो या पुलिस ड्रेस पहने हुए उनके कोई ब्रोकर? हाँ हाँ ब्रोकर है ये। 101, 203, इन लोगों को बताओ कि पुलिस की ताकत क्या होती है। हाँ। किसी को छोड़ना नहीं है, सबको मार मार के चमड़ी उधेड़ दो, इन्हें पता चलना चाहिए कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। मार इन लोगों को। में चल रहा जहरीले सांपों का अत्याचार, टुडे स्पेशल न्यूज। कोई तो हमारे लिए कुछ करो।
बेटी को हुआ क्या था? अब क्या बताएं आपको, उसका लेटा का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। वो शैतान रात को आते थे, हमारे बीवी बेटियों पे जबरदस्ती करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। उन लोगों की बात नहीं मानी तो मेरी बेटी पे अत्याचार करके उसको मार डाला। देखिए मेरी बेटी को मार डाला उन लोगों ने। उनका कहना है कि कर चुकाना है तो हमारे बीवी और बच्चों के साथ ऐसा काम करेंगे और फिर हमारा कर्जा चुकता करेंगे, ऐसा कह रहे हैं वो। बताइए तो फिर आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? की थी बेटी, की थी, मगर वो लोग उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। हम गरीबों की कौन सुनेगा, वो हमारे साथ खेल खेल रहे हैं बेटी, खेल खेल रहे हैं हमारे साथ, क्या करें बेटी। Hey, जरा हटो, उठिए उठिए। hey, ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? उन काले नागों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। देखिए आप लोग डरिए मत, मैं हूं ना आपके लिए, आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, विश्वास कीजिए। जरूरत पड़ेगी तो सरकार को भी गिरा दूंगा। हम अभी विपक्ष में है तो क्या हुआ, हमारा हाथ आप लोगों के साथ है, हम पे भरोसा कीजिए। यह अन्याय नहीं होने दूंगा, हम सब मिलके लड़ेंगे। सरकार ने बातें नहीं सुनी तो धरना देंगे। सीएम को भी यही आना होगा। यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, एक राजनेता होने के नाते आप इस बारे में क्या कहेंगे सर? अब कहने का समय चला गया, अब कुछ करने का समय आ गया है। इन जहरीले सांपों के अत्याचारों का अंत करना ही पड़ेगा। सरकार भी इनके साथ मिली हुई है, उनके सपोर्ट की वजह से ही ये गुंडे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हमारी सरकार में कभी ऐसा हुआ है क्या? जब से ये सरकार सत्ता में आई है गुंडों का आतंक बढ़ गया है, जनता के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए इस सरकार को गिरा के जनता के साथ न्याय करना ही होगा, ये हमारी प्राथमिकता है। हमारा ये आपसे वादा है, हम लोग कल से ही धरना पे बैठेंगे। हमारे दुख को दूर करने के लिए खुद सीएम को यहाँ आना पड़ेगा। ये सब क्या है डैड? इतना अत्याचार, बॉम्बे कॉलोनी में चल रहा है जहरीले सांपों का अत्याचार। अब हम क्या बोले बेटी, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है, हम कहीं के नहीं रहे। हमारी तो जिंदगी बर्बाद ही हो गई है। रोज रोज ऐसा अत्याचार होता रहेगा तो लड़कियां आत्महत्या तो करेंगी ही। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, आप इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर पाते हैं डैड? रोज रोज का ये तमाशा आप कैसे देख पाते हैं डैड? मैं क्या करूं बेटी, सब कुछ जानता हूँ, फिर भी अनजान बनकर रहना पड़ रहा है। ये लोग बहुत बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उस काले नाग का अत्याचार बढ़ते जा रहा है। वो शैतान रात को आते थे, हमारे बीवी बेटियों पे जबरदस्ती करते थे, उन पे अत्याचार करते थे, उन लोगों की बात नहीं मानी तो मेरी बेटी भी। इन अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं है क्या? जरूर होगा बेटी, धरती पर जब पाप बढ़ जाता है ना, तो ऊपर बैठा वो भगवान नए अवतार लेकर धरती के पाप खत्म करने आता है। उसी तरह से इस काला नाग के जहर को खत्म करने इस कलयुग का कृष्ण जरूर आएगा, जरूर आएगा वो, तुम देखना बेटी। बिल्कुल नहीं डैडी, इस कलयुग में भगवान को इन काले नागों को मारने के लिए श्री कृष्ण रूप नहीं नरसिंह रूप लेना होगा। हम कल से ही यहाँ धरना पर बैठेंगे, हमारे दुख को दूर करने के लिए खुद सीएम को यहाँ आना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। न्यूज देखी? देखा सर। तो फिर क्या कर रहे हो, इतना कुछ हो गया, ये बात मुझ तक क्यों नहीं आई? सर, इन काला नागों के मामले में अपनी सरकार के कई मंत्री, एमपी, मेयर और विपक्ष के बहुत सारे नेता, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, ऐसे ही लोगों के मिले होने की इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने अभी तक आपको ये। किसी को नहीं छोड़ेंगे, चाहे इस केस के पीछे कोई भी क्यों ना हो, जनता इसको लेकर काफी रोष में है, हमें उनकी समस्या का हल करना है। या तो तुम्हारे डिपार्टमेंट से इस पर कोई एक्शन ले, या फिर मैं इस केस को सीबीआई को सौंप दूंगा। आप कब ये बात बोलेंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा था। क्यों, ऐसा कोई है क्या? क्रिमिनल्स का नाश करने वाला, गुंडों का यमराज, जनता के लिए अपनी जान देने वाला एक आदमी तैयार है ना सर? उसका तो एक निकनेम भी है सर। वो क्या है? राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार, आईपीएस। अभी कहाँ है वो? प्रेजेंट टास्क फोर्स में,
एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बना हुआ है सर। वेरी गुड, ये केस उसे फौरन सौंप दो। यस सर। लेकिन उससे पहले जनता से बात करते हैं। ठीक है सर। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। बर्बाद हुए परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। बर्बाद हुए परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। बर्बाद हुए परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सीएम राम राम। 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 काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। काले नागों का काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। सीएम राम राम। 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 काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। 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 नहीं चलेगा। काले नागों का अत्याचार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। सी एम नहीं मारी मत नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। आप लोग शांत हो जाइए। अगर इस कॉलोनी में मैं भी रहता तो मैं भी ऐसे ही चिल्लाता। असल में इन काले नागों के पीछे कौन है, कहां से आया है, ये किसी को नहीं पता। डीसीपी साहब ने मुझे अभी बताया। हमारी सरकार के लोग हैं या विपक्ष वाले हैं या कोई व्यापारी वर्ग वाले हैं या फिर कोई और लोग, ये सब गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये बात सच है और मैं इसके खिलाफ हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन मुझे भी नहीं पता। हमारी जनता दुखी रहे ये मैं बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें या कोई आश्वासन देने बिल्कुल नहीं आया। ये सीएम की कुर्सी मुझे आप लोगों की बदौलत ही मिली है और अपने अधिकारों के लिए। अगर आप लोग इस तरह भीख मांगे तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। इस केस में अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिला तो मैं अपने सर के बाल मुंडवा दूंगा, चप्पल पहनना छोड़ दूंगा। मैं और मेरा डिपार्टमेंट इस बात का ध्यान रखेगा कि आप लोगों को न्याय मिले, वरना मैं अपना सीएम पद भी छोड़ दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसके पीछे कोई दूसरा राजनेता ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो मुझे और मेरी सरकार को इस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बस आप मुझ पर यकीन कीजिए। सबसे जरूरी बात, इस केस को हैंडल करने के लिए एक टास्क फोर्स ऑफिसर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एक जाबाज ऑफिसर जिससे गुंडे भय खाते हैं, हमारे राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार आईपीएस को यह केस सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं इस केस में एनकाउंटर के लिए परमिशन की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए पुलिस को मैं पूरी पावर देता हूं। काले नागों के हाथों मरने वाले को 5 लाख का अनुदान देना होगा, नहीं तो हम यहां से नहीं हटेंगे। काले नागों के हाथों मरने वाले को 5 लाख का अनुदान। देखिए, जान के लिए कितनी भी कीमत चुकाए वो कम पड़ेगी, क्योंकि जो एक बार मर गया है वो लौट के नहीं आ सकता। राज्य का पूरा पैसा जनता का ही है और किसी परिवार को सिर्फ 5 लाख देना बहुत ही कम कीमत होगी। मैं 10 लाख की घोषणा करता हूँ, ये अभी दूंगा। ये जनता का पैसा है, जनता के ही काम आना चाहिए। जय हिंद। हाय डैड। हाय बेटी। तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। काला नागों वाले मामले में जनता के सामने सीएम ने खुद ही पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार आईपीएस को इस केस का इंचार्ज बनाने की बात कही है। इतना ही नहीं, जनता, विपक्ष वाले, मीडिया वाले सभी लोग यही चाहते हैं कि इस केस में जो भी दोषी हो उनका एनकाउंटर करने का पावर उन्हें दिया जाए। इज इट डैड? नाउ आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इतना बहादुर है वो। उसके बारे में बताने से अच्छा है कि तुम खुद उसे देख लो। तो कल मैं भी आपके साथ चलूंगी डैडी, प्लीज प्लीज। ओके, ठीक है बेटी। कल कमिश्नर हमारे इस केस का चार्ज ले रहे हैं ना? हाँ हाँ, लगता है वो हमारे सारे दुख दूर करेंगे। तो
हम लोग कल सुबह उनका स्वागत जरूर करेंगे। सुनो, कल वो पुलिस कमिश्नर जहरीले नागों का अंत करने के लिए, हमारी समस्या को दूर करने के लिए इस कॉलोनी में आ रहे हैं यार। हम लोग उन्हें अपना कष्ट जरूर बताएंगे, ठीक है ना? सही है। सर, अपने केस को सीएम ने उस राउडी कमिश्नर के हाथों में दे दिया है। हमें सब पता है क्या हुआ है, क्या होने वाला है, हम सब जानते हैं। वो हम पर छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। हम जो कहते हैं बस वही करो, समझ गए ना? सर, अभी तुम लोग जाओ। सर, कल उस जहरीले सांपों के केस को सीएम साहब कमिश्नर रंजीत कुमार के हाथों में देने वाले हैं। कल तो उन सांपों की बैंड बजने वाली है। हाँ सर, वो सूरज के जैसा प्रतापी आदमी है, उनका डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा नाम है सर। तो अपना सीआई का भी बैंड बजने वाला है। हाँ सर, एक दिन उन कॉलोनी वालों को हम लोगों के हाथों से पिटवाया था सर। अभी अपने इंस्पेक्टर को कमिश्नर साहब मारना शुरू कर देंगे सर। सर, हम सब यही है, वो कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि वो तो एक नंबर का चोर है। गुंडे को पत्थरों से मार लो, जो भी गुंडागर्दी करता है उसका कलेजा निकाल लो, तभी तभी तुम लोगों को शांति मिलेगी। इस जिम्मेदारी को कितने ही भरोसे से मुझे सीएम साहब ने सौंपा है, मैं उसे निभाऊंगा सर। बेस्ट ऑफ लक रंजीत, प्रोसीड। थैंक यू सर। बेगुनाह गरीब जनता को पैसों के लिए शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से परेशान करने वाला चाहे कोई भी हो, चाहे वो जिस बिल में छिपा हुआ हो, तो जहरीले नाग को बिल से बाहर निकाल कर यमराज के पास भेजने वाला कलयुग का कृष्ण आ चुका है। काउंट डाउन ऑन वर्ड्स। क्या हुआ बेटी, आज तुम बहुत खुश दिख रही हो। हाँ डैडी, आपने कहा था ना कि वो सिर्फ बातें करने वाला नहीं है, करके दिखाने वाला है। व्हाट अ स्पीड, व्हाट अ स्टाइल, व्हाट अ डेयरिंग, वाओ, सो हैंडसम। ओहो, उसकी बातें करने के लिए दिन कम पड़ जाएगा। सही कहा बेटी, उसका तरीका वैसा ही है, उसके बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं, इसीलिए मैंने सीएम को उसके बारे में बताया। अभी उन गरीब लोगों को न्याय मिलेगा ऐसा भरोसा होने लगा है डैडी। जब तक उन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं भी उनके साथ हूँ। गुड थॉट। फिर भी आज जो कुछ वहाँ हुआ उसकी वजह से तुम खुश हो रही हो, मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो बेटी। ओ डैडी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा डैडी। हाँ बेटा। आप बुरा नहीं मानेंगे तो एक बात बताऊं? अरे बताओ बेटी। उन काले नागों को आपके पुलिस कमिश्नर ने एक ही झटके में धो डाला। ये तो मास डायलॉग है बेटी। वो मास है डैडी, मैं भी मास हूँ। ऐसी बात है। चलो बेटी खाना खाते हैं। सर, अपने पुलिस कमिश्नर ने आते ही पुलिस की पावर क्या है ये सबको दिखा दी सर। इतनी डेयरिंग तो मैंने पूरी जिंदगी में किसी ऑफिसर में नहीं देखी सर। क्या मारा सर, जो भी मिला उसे पागलों की तरह मार रहे थे। उतना ही नहीं, जो मिला उसे गोली मार दी सर। हाँ सर, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ना। हाँ सर, मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे ऑफिसरों को देखा है,
लेकिन इतने गुस्से वाले ऑफिसर को नहीं देखा। अपनी सर्विस में मैंने बहुत से ऑफिसर देखे सर, लेकिन इतना तेवर और ऐसा गुस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो सर इस केस को हैंडल कर रहे हैं, ये सुनकर सीआई बहुत टेंशन में होगा। हाँ सर, अपने सीआई ने जो पाप किया वो हम सब जानते हैं। अब उनका पाप श्राप बन करके कमिश्नर के रूप में उनके सामने आया है। तो आज से अपने सीआई का बैंड बजने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा, अब जाके मेरे मन को शांति मिली है, अभी कोई परेशानी नहीं है। और सीएम साहब ने पावरफुल पुलिस ऑफिसर को भेजा है। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा था उसका न्याय मिलेगा या नहीं, इस बात का डर था। आज जो भी हुआ वो सुन के काले नाग के मन में डर पैदा हुआ होगा। सीएम ने बताया तो था कि इस काले नाग के अलावा भी बहुत बड़ी शार्क है, हमें सावधान रहना होगा। वो लोग चोट खाए नाग है। माना कि पुलिस कमिश्नर हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हमें सावधान तो रहना ही चाहिए। हाँ, सही कह रहे हो बाबा। सर, वो राउडी कमिश्नर इंक्वायरी के लिए बॉम्बे कॉलोनी जा रहा है सर। बाकी की कॉलोनी में भी जा रहा है सर। ये बात अपने सीआई ने बताई है सर। उस बॉम्बे कॉलोनी वालों के लिए स्पॉट रखो, उसके सामने उन लोगों को मार दो। उन लोगों को हम लोग क्या है वो दिखा दो। वो राउडी कमिश्नर के आने की वजह से बॉम्बे कॉलोनी वालों का हौसला बहुत बढ़ गया है। सर, वो आम ऑफिसर नहीं है सर, वो हमारे लोगों को इतनी बुरी तरह से मारता है कि आपको क्या बताएं। वही, उसे खत्म कर दो। जो भी हमें मिला उसे बहुत मारा है सर। उसके साथ कोई भी आए उसका सर काट दो। ओके सर। क्या है आपकी समस्या? तुम लोग उनके हाथों में क्यों फंसे हुए हो? मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं है, ये मेरी पोती है। इसके माँ बाप बचपन में ही मर गए, तब से इसे मैं ही पाल रहा हूँ। इस बच्ची की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, वो ही मैंने उधार लिए थे। पिछले कुछ दिनों से अपने धंधे में मुझे नुकसान हो रहा था, मैं क्या करता। अपने परिवार को बचाने के लिए उन लोगों से उधार लेना पड़ा। इनसे पूछो। कम ऑन। बेटी, अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने कुछ पैसे लिए थे। इनसे पूछो। मेरी बीवी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए पैसे लेने पड़े थे। तो फिर वो लड़कियाँ क्यों और कैसे मर गईं? उसके बारे में आपको क्या बताएं साहब? बहुत बुरा हाल किया। ओके ओके ओके। डोंट वरी। मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, आज के बाद उन काले नागों से आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं आपसे वादा करता हूँ। इस कमिश्नर के वजह से ही तुम बहुत उड़ रहे हो ना? ऐसे कमिश्नर यहाँ पे कई आए और चले गए, लेकिन हम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया रे। शराफत से कॉलोनी को खाली करके चले जाओ, वरना बेमौत मारे जाओगे। नहीं तो इस कमिश्नर के साथ साथ तुम सब मारे जाओगे। तुम्हारे सामने जिगर वाला खड़ा है तो इन बेचारे कमजोरों को धमकी क्यों दे रहा है? तो सीआर कहीं के मूछ रखने वाला अगर मर्द होता है तो मूछ घुमाने वाले को क्या कहोगे? और वो मर्दानगी है इस मछली पट्टम का बाप। पुलिस का मतलब और पुलिस के पावर के बारे में तुम्हें क्या पता? जो मौत से ना डरे वो पुलिस, जो कभी थकता नहीं वो पुलिस। अपनी लाठी को औजार बनाकर, हाकी को कवच बनाकर, पिस्तौल को यम का हथियार बनाकर, दुष्टों को सजा दे, सिस्टम की रक्षा करे, खुद की जान की परवाह किए बिना प्रजा की रक्षा करने वाला, न्याय का साथ देने वाला ही है पुलिस। मारो इन्हें। पुलिस की वर्दी पहन के हम पे रौब दिखा रहा है क्या? वाकई में अगर तुझमें पावर है तो ये वर्दी उतार कर मैदान में आ, तुझे दिखा देंगे। ड्रेस में हो या सादी वर्दी में, पुलिस के अंदर शेर की पावर होती है। बट वन कंडीशन, वर्दी में रहा तो पुलिस कमिश्नर, वर्दी के बिना राउडी कमिश्नर। वर्दी पहनकर मारूंगा तो लिमिटेड, बिना वर्दी के मारूंगा तो अनलिमिटेड। चॉइस इज योर्स। जल्दी करो, इस पुलिस का खून उबल रहा है। तो ड्रेस निकाल के आना, पुलिस की पावर क्या है हम भी देख लेते। Yeah.
कोई भी फोन करे, कहीं से भी फोन करे, उसे रिसीव मत करो। ये लो, इस रुई को कान में डाल लो, जल्दी करो, सब लोग कान में डालो। सर सर, फोन आ रहा है सर, रिसीव कर लीजिए सर। फोन की आवाज सुनाई दे रही है। विक्रम, मैं डीजीपी के पास जाकर आता हूँ। इतने में अगर कोई इन्हें छुड़ाने आता है तो इन्हें किसी हाल में नहीं छोड़ना है। समझ गया ना? ठीक है। टेक केयर। गुड इवनिंग सर। विक्रम, इन सब लोगों को छोड़ दो। सॉरी सर, सीपी साहब ने इन्हें छोड़ने के लिए मना किया है। भूल गए हो, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। सर आप एक बार क्या 100 बार भी कहोगे तो नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार का ऑर्डर है सर। उसे देख के जैसे उस कॉलोनी वालों की चर्बी चढ़ गई, वैसे तुम लोगों को भी चर्बी चढ़ गई है क्या? वो बुझने वाला दिया है, कहाँ कब कैसे बुझेगा वो उसे भी नहीं मालूम है, समझे? ए, तुम लोगों को पता है किससे पंगा ले रहे हो? हवा, पानी, आग, आसमान, ये सब जब मिल जाते हैं तो क्या होता है पता है तुम लोगों को? ए, ऐसी शक्ति रखने वाले पंचभूतों के साथ पंगा ले रहा है वो। सर तमीज से बात करो वरना हम भूल जाएंगे आप सीनियर हैं। और खबरदार जो हमारे कमिश्नर रंजीत कुमार के बारे में कुछ बोला तो वरना हम आपको अंदर भी कर सकते हैं। हमारे सामने हमारे सीनियर ऑफिसर के ऊपर हाथ उठा रहे हैं आप? ऑन ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाने के जुर्म में हम आपके ऊपर गोली भी चला सकते हैं। खबरदार, तुम सबके सब देख लेना, उस राउडी कमिश्नर के साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। मेरी बात याद रखना, माइंड इट। बाय बाय सर।
बोलिए क्या बात है सर। हमारे थाने पर बहुत सारे कॉल्स आए लेकिन एक भी कॉल हमने रिसीव नहीं किया। अभी तक तो यही चला है सर, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता सर। अगर कल कोई कॉल रिसीव की होती तो फिर शायद कहानी किसी और मोड़ पे होती सर। मुझे पता है अब आगे क्या होगा, जितने भी सांप अपने टिले और बिल में छुप कर बैठे हुए हैं वो सब बाहर आएंगे। यू आर करेक्ट। अब जो कुछ भी हो रहा है आप जरा सावधान रहिएगा। ठीक है सर। चार्मी बेटा। यस डैडी। इधर आओ जरा। बाय द वे शी इज माय डॉटर चार्मी। गुड। हेलो। हाय डैडी। एक बात और बतानी थी, शी इज योर फैन। थैंक यू डैडी, आपने इंट्रोड्यूस करवाया ना, अब बाकी की बात मैं कर लूंगी। ओके बेबी। सर मैं भी आपके जैसी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, जो भी है वो मुंह पे बोल देती हूँ। आपके बारे में जो कुछ भी सुना था देखने के बाद तो पूरा यकीन हो गया। उस दिन वो कॉलोनी में उन गुंडों को आपने जिस तरह से धो डाला था, आपने डेयरिंग से पुलिस पावर जो दिखाई थी उन्हें, उस दिन से मैं अपना दिल आपको दे चुकी हूँ। अब फैसला आपको करना है, मैं वेट करूंगी। चलता हूँ सर। जय हिंद सर। फिर से कह रहा हूँ आप जरा सावधान रहिएगा। ठीक है सर। डैडी मैंने सीधी सीधे बात की और वो कुछ बिना बोले ही चले गए, ये ठीक नहीं है डैडी। मुझे क्या पता, तुम दोनों का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम दोनों ही संभालो अब तो। तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग जनता के सेवक हो। जनता की सेवा करने वाले तुम लोग दरअसल जनता की शेविंग कर रहे हो। जनता की बच्चों की तरह देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है, लेकिन काम क्रोध मोह लोभ लालच में आकर तुम सब जिस तरह से जहरीला नाक बनकर जनता को डसने की कोशिश कर रहे हो, मेरे होते हुए अब यह नहीं होगा। अब तुम्हारे जीवन का काल चक्र घूम गया मिस्टर रंजीत कुमार। हम लोग अगर चाहें तो पंचभूतों को भी अपने वश में कर सकते हैं। आफ्टर ऑल तुम कौन हो और तुम्हारी ताकत क्या है? हमारे पास है जनता की ताकत, सरकार की ताकत। तुम्हारी औकात ही क्या है हमारे सामने? हम जो चाहते हैं वही होता है और वही होगा। ए, तू क्या कर लेगा रे? तुम लोग पंचभूत हो क्या है? जिसे देख कर पुलिस वालों की पैंट गीली हो जाएगी। लगता है तुम लोगों को पुलिस की पावर नहीं पता। पंचभूत, पंच इंद्रिया, पंचामृत, पांच पांडव, पंचाक्षरी मंत्र की तरह है ये पुलिस की पावर। इस पुलिस पावर की वजह से तुम्हारे जैसे गुंडों को मसल कर जेल में डालकर हड्डी तोड़कर जेल का खाना नहीं खिलाया तो मैं राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार आईपीएस नहीं। ए, तुम्हारे मूंछों पर ताव देने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, हमें सिर्फ डराना आता है। हम में से डरना किसी ने नहीं सीखा। जैसे पुलिस से डरना नहीं आता उसे डर सिखाने वाला है आईपीएस रंजीत कुमार। तुम जैसे कई पुलिस वालों को मिट्टी में मिला दिया है हमने। मिनिस्टर जी इससे हम क्या बात कर रहे हैं, जो काम करना है वो कर लेते हैं। तुम जिसके दम पे इतना ऊंचा उड़ रहे हो ना, अगर हमने ठान लिया तो उसके साथ साथ तुम भी जाओगे। ए, अगर मैं सोच लूं तो इसी वक्त तेरा ट्रांसफर करवा सकता हूं। तुम हमारे काम के बीच में आ रहे हो इसलिए मैं तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा। ए, इसे खत्म करके अपने आदमियों को छुड़ा लाओ। क्या हो रहा है ये सब, छोटा बड़ा कुछ नजर नहीं आता सर। ये लोग सर बकवास बंद करो, पहले उन सबको छोड़ो, ये सीएम का ऑर्डर है। Yeah.
दावा पेपर पढ़ा क्या? क्यों, क्या हुआ? ऐसा क्या लिखा है? उसमें कोई खास बात है क्या? कमिश्नर साहब ने मिनिस्टर की बातों में आकर उस काले नाग के सारे चमचों को छोड़ दिया। हाँ, अब हमें न्याय नहीं मिलेगा क्या बाबा? हमें अपना बोरिया बिस्तर बांध कर जाना पड़ेगा लगता है। इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा सब्र तो रखो, सब पता चल जाएगा। बाबा, वो सारे गुंडे पुलिस लॉकअप से बाहर निकल आए हैं, वो अब हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना? कैसे पता, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा संकेत मुझे बहुत पहले से आ रहा था। बाकी आगे देखते हैं। ये क्या बात है सर, सीपी साहब का अपमान करेंगे क्या? अच्छे आदमी के साथ हमेशा बुरा ही होगा सर। ये बात सुन के मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। अपने सीपी साहब की सिफारिश तो डीजीपी साहब ने ही किया है ना सर? असल में क्या हुआ है हमें क्या पता। सर, सर पेपर में मुझे सब पता है। दुखी, मैं दुखी नहीं हूँ, अपनी सर्विस में मैंने ऐसा बहुत देखा है, मगर सीएम और डीजीपी साहब ने ऐसा क्यों किया, आखिर उनकी मजबूरी क्या होगी, यही सोच रहा हूँ मैं। आखिर क्या बात हो सकती है? नहीं नहीं, वो लोग ऐसे नहीं है, अगर वो लोग ऐसा सोचते हैं तो सच क्या है ये पता कर लेंगे। हेलो, क्या, व्हाट, क्या बोल रहे हो? सीपी साहब तो यहीं बैठे हैं। क्या हुआ सर? सागर कॉलोनी में किसी लड़की ने सुसाइड किया है सर। ओह माय गॉड, चलो। साहब ये देखिए क्या हो गया साहब। ये आपके भरोसे थी, इसने पेपर में ये पढ़ा कि इसे अब न्याय नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसने ऐसा कर लिया साहब। पेपर में किसी ने जानबूझकर डाला है ताकि आपका भरोसा मुझ पर से उठ जाए। आप लोग डरिए मत, मैं आप लोगों के साथ हूं। एक बात और कहूंगा मैं, आप लोग हिम्मत हार कर इस तरह की हरकत बिल्कुल मत करिए। ठीक है साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमें आप पे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आगे क्या करना है देखते हैं। धन्यवाद साहब। सर, नमस्ते सर। सर मैं अभी आता हूँ सर। देख ली अपनी ताकत, आखिरकार वो रंजीत चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकार रहा है। उसे काला जहर देकर हम उसे काल गर्भ में पहुंचा देंगे। पहले जाकर उन कॉलोनी वालों से साइन करवा लो, नहीं किया तो सबको खत्म कर दो। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाकर अपने आदमियों को ले आओ। भूल गए हो मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर हूँ। वो राउडी कमिश्नर अभी बेवड़ा कमिश्नर बनकर कहीं दारू पी रहा होगा। हे, अब तुम लोगों को उसे देख के डरने की जरूरत नहीं है, समझे ना? हम काले नागों का पावर लेके तुम लोग काल बन जाओ। सर बैठो। थैंक यू सर। उन लोगों को छोड़ने के लिए मैं नहीं कहा था, वो पांच लोग ही काले नाग हैं, ये बात सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, जनता को नहीं पता है। उन लोगों को अरेस्ट करने से हमें किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ, अगर उन्हें अरेस्ट करना है तो फिर तुम्हें पूरे सबूत चाहिए। सर, आज एक लड़की ने पेपर में न्यूज पढ़कर कि उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, इस डर से उसने सुसाइड कर लिया सर। अगर हम लोगों ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ऐसी और भी घटनाएं होंगी, मैं इसी बात से डर रहा हूं सर। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं रंजीत कुमार, इसीलिए मैंने केस तुम्हें दिया था। अब इस केस में तुम्हें क्या और कैसे करना है ये फैसला भी सिर्फ तुम ही लेने वाले हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ बोलिए। सर यहाँ कुत्ते लोग सबको मार रहे हैं, बॉम्बे कॉलोनी में तो और भी बुरा हाल है सर, आप जल्दी आ जाइए सर, प्लीज सर। मैं अभी आ रहा हूँ।
रावड़ी कमिश्नर, देख ले अपनी पुलिस पावर। पुलिस पुलिस कह के बहुत उड़ रहा था ना रे। पुलिस मतलब गुंडों का बाप, गुंडों का यमराज। जब पुलिस दहाड़ती है तो 100 गुंडों की पैंट गीली हो जाती है, पैंट। इसीलिए तेरे आदमी नीचे पड़े हैं। क्या हो गया तेरी पुलिस पावर को? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, निकल गई सारी हेकड़ी। बचाओ, हम सबको बचा लो कहकर चिल्ला रहे थे, तब क्यों नहीं आए इन्हें बचाने? ऐसी मार तो हमारे जैसे बहादुरों को युद्ध के मैदान में तुम्हारे जैसे देशद्रोहियों का सामना करते वक्त लगती रही है युगो युगो से। अगर शेर करवट भी बदल ले तो तुम्हारे जैसे गीदड़ थरथरा जाते हैं, चिंगार दे तो क्या होगा? पुलिस जब शेर की तरह गरज कर अपनी पावर दिखाती है, तुम्हारे जैसे गुंडों को खींच कर घसीट कर रोड पर मारते हुए पब्लिक के बीच में खींच कर थाने ले जाती है। पुलिस की पावर को चैलेंज मत कर। सुन लो, मेरा नाम है राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार IPS। क्यों रे, देख लिया ना पुलिस का पावर? कोई डायलॉग नहीं, ओनली एक्शन। कहानी का क्लाइमैक्स है ये। अगर तुम सब ने सच नहीं बताया तो तुम लोगों के मुंह में गंगा जल पड़ना तय है। भाई, ऑलरेडी साहब ने मुझे बहुत मारा है, अगर हम मुंह नहीं खोलेंगे तो हमें बहुत मारेंगे, और पानी भी नहीं देंगे, हमें तो प्यासा मार देंगे। अबे कुछ बाकी है क्या? 14 घंटे से तो प्यासे मर रहे हैं। हाँ, उसके बाद अपनी प्यास तो नहीं बुझेगी, अपनी लाश शमशान तक जरूर जाएगी। भैया, स्वर्ग में मेनका और उर्वशी रंभा मिलेगी ना? अबे हम सब लोग मरने के बाद स्वर्ग में नहीं, नर्क में जाएंगे। बाप रे नर्क! भाई आप बोल दो प्लीज, आप बोल दो। खबरदार, चुपचाप बता दो वरना गोली मार दूंगा। सर हम बताएंगे साहब, बताएंगे साहब। काले नागों में से एक होम मिनिस्टर साहब भी है और साथ में SP साहब भी है सर। सर, उन काले लोगों में मेयर मैडम भी है सर। हाँ? सर, उनके साथ विपक्ष के नेता, MP लोग, CI, सभी लोगों का एक ही गैंग है सर, मैं सच कह रहा हूँ। सर, वो लोग अपने पुलिस स्टेशन में नहीं है, लेकिन मैं पता लगाता हूँ कि उन लोगों को कहाँ छुपाया है। तो अब उसका प्लान क्या हो सकता है? मुझे तो लगता है कि वो हमारे आदमियों को हमसे कहीं दूर ले जाकर उन्हें टॉर्चर करके हमारे राज उनसे उगलवाना चाहता है। अरे हमारे आदमियों को कितना भी टॉर्चर करने दो, वो मुंह खोलने वालों में से नहीं है। लास्ट टाइम जब उन सबको अरेस्ट किया था तब तो लोगों ने हमारे बारे में कुछ नहीं बोला। देखो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम लोग उसे कम नहीं आंक सकते। पिछली बार अपने आदमियों पे हाथ न उठाए इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में कॉल किया था, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उनसे जानना चाहता है कि हम कौन हैं। उसकी पिटाई देखकर यमराज भी तरस खाते हैं, ऊपर से CM ने भी उसे पूरा पावर दे दिया है। इसके लिए हमें एक काम करना होगा, हम सबको एक साथ मिलकर नहीं बल्कि अलग अलग रहकर अपनी ताकत उसे दिखानी होगी। क्या कहते हो? ओके, ऐसा ही करेंगे। पता करो इस वक्त वो कहां पर है। ठीक है सर। आ गया। आ जा, हम सभी पर तूने शिकंजा कस रखा है ना, मुझे पता था तू जरूर आएगा। आ जा। तेरे जैसे लोगों को अरेस्ट करने के लिए मैं कहीं भी आऊंगा, कभी भी आऊंगा, बीच में कोई आए तो भी नहीं छोड़ूंगा। जनता की सेवा के लिए, जनता की रक्षा के लिए, जनता के संरक्षण के लिए बहुत सारे पुलिस वालों ने अपनी जान दी है और अमर हो गए। ऐसे डिपार्टमेंट में रहकर तुमने गद्दारों से हाथ मिलाकर भोली भाली मासूम जनता को मौत देना चाहते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, नहीं तो एनकाउंटर कर देना चाहिए। CM ने कहा है कि सबूत के साथ कोर्ट में हाजिर करो, इसलिए आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। वार्निंग दे रहा हूँ तुम्हें, ईमानदारी से आ जाओ वरना तुम्हें घसीट के ले जाऊंगा। तेरी इतनी हिम्मत, हमारे SP साहब को अरेस्ट करेगा? है, लगता आज तेरे दिन पूरे हो गए। उस बच्चे पर तू अपनी पावर क्या दिखा रहा है? वो रहा हमारा ब्रह्मास्त्र, अगर दिखाना है तो उस पर अपनी पावर दिखा, हम भी देखेंगे। है, वो ब्रह्मास्त्र बड़ा है या ये पाशुपत बड़ा है, अभी पता चल जाएगा। आजा।
पुलिस वाला ही हूँ। अच्छा तो तुम लोग यहाँ हो? ए, हाँ। ये सब यहाँ पर क्यों है बताओ? हाँ सर, आज का पेपर देखा क्या? देखा है बाबा। बाबा, उस सीपी साहब को हम लोगों ने बहुत गलत आदमी सोचा था। उन काले नागों में एक एसपी है, ये भी पता है क्या? उस दिन पुलिस स्टेशन में उसने हमारी पिटाई करने के लिए कहा था ना। उस सीआई को भी अपने सीपी साहब ने अरेस्ट किया है। अब उन लोगों को असली पता चलेगी। बाकी लोगों को भी सीपी साहब अरेस्ट करने वाले हैं। हाँ, होगा ऐसा। गुड मॉर्निंग सर। वेल डन मिस्टर रंजीत कुमार, कम ऑन सिट डाउन। थैंक यू सर। क्या लोगे बताओ, कॉफी, टी, कोल्ड ड्रिंक्स? नो थैंक्स सर। नो 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 रंजीत, आज तुम ना नहीं कह सकते। बेटी चार्मी, यस डैड। सर के लिए कॉफी लेकर आओ बेटी। ओके डैड। सीएम साहब ने फोन किया था, वो वाकई बहुत खुश थे। थैंक यू सर। उन काला नागों के अत्याचार का कोई अंत ही नहीं था। तुमने जो काम किया है उसकी वजह से मुझे बहुत खुशी है। मुझे कल अपने एसपी को, अपने सीआई को अरेस्ट करते वक्त अपने साथियों पर हाथ उठाना पड़ा, इसलिए मुझे थोड़ा दुख हुआ सर। डोंट वरी रंजीत, उन लोगों ने अपना काम किया और तुमने अपना काम किया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। चाय लीजिए। थैंक यू। डैड, मेरे बारे में बात करो ना। ठीक है। बाय द वे रंजीत, मेरी बेटी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रही है ये। सॉरी सर, जब तक ये केस पूरा नहीं हो जाता मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता सर। ओके ओके, ठीक है, जैसा तुम चाहो। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ सर। बाय बाय। जय हिंद सर। रुक जा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तेरे बाप का घर है क्या? एक मेयर के घर में घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शेर हमला करने के लिए ना दिन देखता है और ना रात देखता है। पुलिस भी कभी भी कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती है। दैट इज पुलिस पावर। तो मेयर भी क्या टाइम पास करता है क्या? जनता की सेवा करोगी बोलकर जिम्मेदारी की सीट पर बैठकर जनता के साथ अत्याचार करना यह अन्याय नहीं है क्या? काला जादू के नाम पर गरीबों को टॉर्चर करना, एक कोरे कागज पर उन गरीबों से हस्ताक्षर लेकर उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, ये कहाँ का न्याय है मैडम? इसे तुम सेवा कहती हो? ईमानदारी से बोल रहा हूँ, गरीबों के पेपर नहीं दिए तो तुम औरत हो ये भी भूल जाऊंगा। अगर तुझ में दम है, हिम्मत है तो तू मुझे हाथ लगा के दिखा। औरत को माँ मानता हूँ, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, अपनी आदतें बदल लो। टेक केयर।
खत्म कर दो इसे। तो इसलिए मेरे हाथ रुक गए वरना। केस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। बाकी के लोगों को अरेस्ट करके उनसे डॉक्यूमेंट्स लेकर सीएम ने कहा है कि सारे गवाहों और सबूत के साथ उन लोगों को कोर्ट में हाजिर करो। सर, वो एसपी ऐसा करेंगे हमने कभी सोचा नहीं था सर। ऐसी नौकरी करके ऐसे गुंडों के साथ उनके रिश्ते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था सर। जो लोग पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाते हैं उनकी यही सजा होती है। अपने पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रहे हैं एसपी और सीआई सर। आप जैसे सिंसियर ऑफिसर इस वक्त धर्म न्याय और सत्य के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो भी ये लोग ऐसा सोच रहे हैं। सीएम साहब ने कहा है प्रजा की सेवा के लिए अपने प्राणों की चिंता भी मत करो, जबकि जितने भी लोग सरकार की सेवा में हैं उन्हें जनता की कोई चिंता नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपना घर भरते हैं, अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। हेलो, मिस्टर कमिश्नर, औरतों को धमकी देकर डॉक्यूमेंट्स हासिल कर रहे हो? ऐसे सैकड़ों लोगों के ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं। हिम्मत है तो आकर ले जाओ उन्हें। अगर सब लोगों की जान बचानी है तो आ जाओ, आ जाओ। मैं खुद ही आने वाला था लेकिन तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। देखते हैं कौन किसकी मौत को बुला रहा है। आ जा, जनता के साथ आएगा या अकेला आएगा, आ जा। पैदा अकेला हुआ, जी भी अकेला रहा हूँ और आऊंगा भी अकेला। हिराना सर, उन्होंने कोई प्लान जरूर किया होगा आपको मारने के लिए, इसीलिए आपको भड़का रहे हैं सर। सच में सर, हमें बहुत डर लग रहा है, कहीं आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे सर। डर किसे कहते हैं, पुलिस को नहीं पता होना चाहिए। अगर डर है तो वर्दी उतार के चले जाओ। डरता नहीं बल्कि डराता है पुलिस। जो 10 लोगों की जान बचाए उसे कहते हैं पुलिस। डर कर भागने वाला नहीं होता है पुलिस, अंडरस्टैंड। अच्छा है, तेरे में दम है। किसी को अपने साथ लाए बिना तू अकेले ही आ गया। महाभारत में अभिमन्यु भी तेरे जैसे ही चक्रव्यूह में फंस गया था। उसके बाद क्या हुआ ये तो तू जानता ही है। अब तेरे साथ भी यही होने वाला है, समझा ना? आजा आजा। ए, मुझे चक्रव्यूह में फंसने वाला अभिमन्यु समझा है क्या? महाभारत में कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन हूँ मैं। वो देख, हमारे ब्लैक मनी के धंधे का पुलिंदा, तुम्हारी जनता ने अपने हाथों से हमें साइन करके दिया है पापों का डॉक्यूमेंट। तूने हासिल करने की कोशिश में अपनी जान देगा या फिर उसे ले जाकर हमारी जान लेगा? डर लग रहा है क्या मिस्टर कमिश्नर? हाँ, डरने वाला युद्ध नहीं करता, युद्ध करने वाला कभी डरता नहीं। हमारे आदमियों को मारकर तुम एक राउडी कमिश्नर हो ये तो तुमने साबित कर दिया है, लेकिन ये लोग कोई मामूली लोग नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ,
उन लोगों को मारने के लिए तुम लोगों को मेरे अंदर राउडी कमिश्नर दिखता है, लेकिन तुम्हारे इन पालतू गुंडों को चुन चुन कर मारूंगा, तब मेरे अंदर तुम लोग पुलिस कमिश्नर देखोगे। 100 लोगों को मार सकता है तू? इतनी ताकत है तेरे पास? सामने वाले को मारने के लिए ताकत की नहीं, जिगर में दम होना चाहिए। अगर दम है तो 100 लोगों को क्या, 1000 भी आ जाए चुटकी में उड़ा दूंगा। कम ऑन, डोंट वेस्ट माई टाइम। तो आ जाना। आजा, आजा। तुझे दिखाऊंगा। देखना, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अरे रे, आप लोग बाहर है, सोचा था हमें आप लोग बाहर निकालोगे, लेकिन ये क्या, सोचा नहीं था कि आप लोग भी उस कमिश्नर से पीट के अंदर आ जाओगे। भाई, वो हमसे बड़े हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। यहाँ कैसी रिस्पेक्ट बे, लॉकअप में कोई बॉस नहीं होता, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, सब एक समान है। भाई, अब सिर्फ मेयर मैडम ही बची है, क्योंकि वो लेडी है ना। बस करो, चुप हो जाओ तुम सब। ऐसा कोई सीन नहीं है, उसे भी एक शॉक दिया है मैंने, जिसकी वजह से उसे यम दिखाए तो वो भी शॉक में चली गई है।
उसके लिए वो घर में रखा हुआ सारा डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में रखा है, वो अभी बिस्तर में पड़ी है, अभी तक नहीं उठी। बाप रे, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, पता नहीं क्या करने वाला है, हम सबका एनकाउंटर करेगा क्या। अरे भाई, हम स्वर्ग में जाएंगे तो रंभा और ऋषि मेनका को देख सकते हैं ना। ए, चुप रह, रंभा मेनका और ऋषि की बात कर रहा है, वो रावड़ी कमिश्नर हमारा क्या करेगा उसके बारे में सोच। ओहो, अरे सुनो तुम लोग खुद डर कर हमें मत डराओ, समझ गए। पॉलिटिक्स में रहकर चार पैसा कमाकर अपने खानदान को सेव करने के लिए सोचा था, तो ये कहां से आ गया बीच में, कोई तो बताओ मुझे। उन काले नागों को उनके गैंग के साथ मैंने अरेस्ट कर लिया है सर, इस समय वो सारे मेरे अंडर में है सर। उन लोगों ने काले पैसे के नाम पर उन लोगों से जो साइन कराए थे वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं सर। वेरी गुड। मगर उस मेयर को मैंने अरेस्ट नहीं किया है, क्योंकि उसी दिन उसने मुझसे डर कर सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हवाले कर दी थी, ऊपर से वो औरत है इसलिए छोड़ दिया सर। औरत सोचकर अगर ऐसे ही छोड़ोगे तो कल वो खतरा बन सकती है। एनीवे, बी केयरफुल, कल सभी लोगों को कोर्ट में हाजिर करूंगा सर। वेरी गुड। इतनी मुश्किलों के बावजूद तुमने इस काम को बहुत अच्छे से अंजाम दिया और इसमें जीत भी तुम्हारी हुई है। तुम जैसा आदमी सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, सभी डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और मैं तो ये कहूंगा कि राजनीति में भी होना चाहिए। तो राउडी कमिश्नर रंजीत कुमार IPS, एडवांस कांग्रेचुलेशन। शादी में बुलाना मत भूलना। तुम नहीं बुलाओगे तो क्या हुआ, DCP तो बुलाएंगे ही ना। मीडिया के लोगों को और जनता को मेरा नमस्कार। ब्लैक मनी के नाम पर वांबे कॉलोनी के लोगों को और भी कई लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से परेशान करने वाले सारे काले नागों को अरेस्ट कर लिया है। हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसके होम मिनिस्टर, MP और वैसे ही विपक्ष के नेता रायडू, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर SP और CI और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन सबको, गुंडों को, भ्रष्टाचारियों को, जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट कर लिया है। कल सुबह इन सबको कोर्ट में हाजिर कर रहा हूं। सब लोगों को मेरा नमस्कार। सुनो, तुम सबको सावधानी से काम लेना होगा, काम हो गया ये सोचकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाय। हाय। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। इस केस में तुम सफल हो गए हो, कॉन्ग्रेट्स। थैंक्स। अच्छा बताओ, हम शादी कब करेंगे? बताता हूँ। बताओ ना। बाद में बताऊंगा, बाद में। नहीं बताओ, अभी बताओ। दूसरी वाली भाई, क्या लग रही है ये? बहुत अच्छी हो, सुंदर हो तुम। हाय, कांग्रेट्स। थैंक यू। आपने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। आज से आप मेरे हीरो हैं। ए, तुम कौन हो? ये मेरा होने वाला पति है। मछलीपट्टनम का हीरो है ये। वो सब तो ठीक है डियर। इन्होंने तो सच में मेरे दिल में जगह बना ली है। तुम्हारे पति होंगे लेकिन मैं लवर के रूप में एडजस्ट कर लूंगी ना। ए, क्या बोल रही हो तुम? तुम किसी बातें कर रही हो? अरे क्यों लड़ाई कर रही हो तुम लोग? हेलो, मैं यार बोल रही हूँ। हाँ बोलो। मेरे आदमियों को मैं जहाँ बोलती हूँ वहाँ ले आओ, नहीं तो तेरी जनता को गैस सिलेंडर से उड़ा दूंगी। नहीं, समझ गए ना? ओके, तुम जो कहोगी वही करूँगा। मिस्टर रंजीत कुमार,
आया ना अभी ऊंट पहाड़ के नीचे है? पुलिस पावर करके बहुत उड़ रहा था तू। ऐसी रिवॉल्वर होगी ना तेरे पास जिसमें 6 गोलियां होंगी, लेकिन अगर मैं इन सब को सिलेंडर लगाकर एक साथ यमलोक में पहुंचा दूं तो फिर क्या उखाड़ लेगा तू मेरा, चल बता। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ये सोचकर हवा में दीपक नहीं जलाता मैं। उसने मुझे ताकत दी है, मेरे कलेजे में हिम्मत दी है उसने। दो अगले लोग, मेरे अंदर तुम्हारे जैसा मिलावटी खून नहीं है, मेरे अंदर पुलिस का खून है। मेरा बाप पुलिस, मेरा भाई पुलिस और मैं भी पुलिस, मेरा पूरा परिवार पुलिस की सेवा में है। जिस दिन से मैंने आईपीएस ऑफिसर की शपथ ग्रहण की है उस दिन से जनता की रक्षा के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। पुलिस कमिश्नर रंजीत कुमार आईपीएस हमेशा अपनी जेब में एक नोट लिखकर घूमता रहता है। मुझे मौत का कोई डर नहीं, मैं अपनी मूंछों पर ताव दे दूं तो अच्छे अच्छे हिल जाते हैं। तेरे हाथ में जो पिस्टल है उसमें गोली भरी है और तेरे सामने इस मर्द की छाती है। जनता के लिए जान भी दूंगा क्योंकि उसकी सुरक्षा के लिए मैंने शपथ खाई है। गुंडे की गोली बड़ी है या एक पुलिस वाले की हिम्मत बड़ी है, आज उसका फैसला यही हो जाएगा। देश के लिए जान देने वाले, प्राणों की परवाह ना करने वाले इस जनता के लिए प्राण भी निछावर कर सकता हूँ। चलाओ गोली, चलाओ गोली, चलाओ चलाओ चलाओ। आदमी तुम्हारे डिपार्टमेंट के अलावा बाकी सभी डिपार्टमेंट में रहेगा तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ये जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। आज से तुम सबके
पब्लिक स्टार रहोगे।